हमास तेल की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। तेल का आपातकाल हो गया है। हमास अब बंधकों का सौदा करने लगा है। इसराइल ने हमास की हर शर्त मानने से इनकार कर दिया है। दिन से जारी युद्ध में गाजा बर्बाद हो चुका है। गाजा के कब्रिस्तानों में लाशों का ढेर लगा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब इसराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने के लिए उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है। इसराइल के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाले हमास की हेकड़ी पूरी तरह से निकल चुकी है। हमास का कहना है कि उसके पास अस्पतालों तक को देने के लिए बिजली नहीं बची है। बिजली सप्लाई बाधित होने से सभी अस्पताल बंद हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, गाजा में अब ईंधन भी खत्म होने वाला है। मतलब इसराइल से लोहा लेने की बात करने वाला हमास अब अंधेरे में डूबने वाला है, क्योंकि इसराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हमास सभी बंधकों को रिहा भी कर देता है तो भी गाजा में ईंधन की सप्लाई नहीं होने दी जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई के बाद ही इसराइल हमास के बीच संघर्ष विराम के बारे में बात की जा सकती है। He was very, very interested in what we were doing to deal with some of the crises that we're facing, particularly in Israel this time around. And I laid out to him what the game plan was, how we thought we should be providing the kind of assistance to Israel that need it, and the Pope was across the board supportive of what we're doing. We should have a ceasefire. Not a ceasefire. We should have those hostages released, and then we can talk. मतलब इसराइल और अमेरिका ने एकदम साफ कर दिया है कि पहले हमास को उन बंधकों को रिहा करना होगा जिन्हें वो अपनी ढाल बना रहा है। हालांकि हमास ये बात अच्छे से समझ चुका है कि उसकी सांसें तब तक ही हैं जब तक बंधक उसके कब्जे में हैं, और वो बंधकों को ही अपना एग्जिट प्लान मानता है। हालांकि इस बीच खबर आई है कि हमास 50 ऐसे बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हो गया है जिनके पास दोहरी नागरिकता है, लेकिन बाद में उसने सिर्फ 2 इजरायली बंधकों को ही रिहा किया इस उम्मीद में कि गाजा पर हमले कम हो जाएंगे। लेकिन इसराइल ने ऐसा नहीं किया और 50 बंधकों को रिहा करने की बातचीत फेल हो गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हमास ने बंधकों को छोड़ने के एवज में गाजा में ईंधन सप्लाई की मांग की, लेकिन बात बनी नहीं तो बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया। इससे पहले मानव हितों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था द रेड क्रॉस ने दावा किया था कि हमास और इसराइल के बीच 50 बंधकों को छोड़ने की बात पर सहमति लगभग बन गई है और जल्द ही उन्हें हमास छोड़ने वाला है। हालांकि हमास ने उन 2 महिला बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया जिनकी रिहाई की पेशकश का दावा वो पहले भी कर चुका था। हमास का दावा है कि उसने दोनों इजरायली महिला बंधकों को स्वास्थ्य के आधार पर छोड़ा है, जिसका वीडियो भी हमास की तरफ से जारी किया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक दोनों महिलाएं तेल अवीव पहुंच चुकी हैं। हालांकि इस बीच इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो इस बार हमास का खात्मा करने से पहले रुकेंगे नहीं। אנחנו פועלים יחד כאגרוף מחץ למטרה אחת, לחסל את החמאס. אנחנו נותנים גיבוי זה לזה, ואנחנו נותנים גיבוי לצבא ההגנה לישראל, ללוחמים שלנו, למפקדים שלנו. ואני מבקש שאזרחי ישראל שתדעו דבר נוסף. אנחנו מקבלים את ההחלטות כאן ובקבינט לניהול המלחמה פה אחד. אנחנו עושים את זה באחריות רבה, אנחנו עושים את זה גם בחרדת קודש. אנחנו נלחמים יחד ואנחנו ננצח יחד. इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच इस वक्त गाजा में अस्पतालों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का इतिहास में इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। सीमाएं बंद होने और इसराइल की तरफ से लगातार हो रहे हमलों की वजह से गाजा में जरूरी चीजों की किल्लत बढ़ती जा रही है।
अल अरबिया न्यूज चैनल ने दावा किया कि गाजा में बने इंडोनेशिया के एक अस्पताल की बिजली ठप हो गई क्योंकि उसके पास ईंधन खत्म हो गया और इसराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हमास सभी बंधकों को रिहा भी कर देता है तो भी उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा।